इस वक्त की एक और बड़ी खबर है, बीजेपी आरएलडी में गठबंधन तय हो गया है। ये बड़ी खबर और भी तय हो गया है, आरएलडी एनडीए का हिस्सा होगी। गठबंधन के तहत जयंत चौधरी को 2 सीटें मिलेंगी, यानी आरएलडी 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बागपत और बिजनौर सीट पर आरएलडी को मिलेगी, जयंत चौधरी की पार्टी को 1 राज्यसभा सीट भी मिलेगी। दोनों दलों के बीच गठबंधन का ऐलान 2 से 3 दिन में हो जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां खापों ने समर्थन की बात कही है, वहीं एक और बात निकल कर सामने आ रही है, 1 राज्यसभा का सांसद आरएलडी से होगा, 2 सीट पर बिजनौर और बागपत पर आपको बता दें आरएलडी चुनाव लड़ेगी। ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दोनों दलों के बीच गठबंधन का ऐलान 2 से 3 दिन में हो जाएगा यह ऐलान, लेकिन फॉर्मूला तय हो गया है। तो ये खबर इंडिया गठबंधन के लिए भी एक बड़ा झटका है, क्योंकि पहले नीतीश कुमार गए, अब यहां से बताया जा रहा है कि आरएलडी भी अब जा रही है। जिस तरह गठबंधन की खबरें हैं, तो आरएलडी जाएगी तो अब इंडिया गठबंधन में टूट। अब समाजवादी पार्टी किसके साथ करेगी गठबंधन, अब देखना होगा। यहां रणनीति बदलेगी, सियासी समीकरण बदलेंगे यूपी के अंदर। अब बड़ी खबर आपको बता रहे, बीजेपी और आरएलडी में गठबंधन तय। विशाल रघुवंशी हमारे साथ, हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ। विशाल, ये आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है गठबंधन तय, या अंदर खाने खबरें निकल कर आ रही है कि गठबंधन तय हो चुका है? नहीं यार, देखिए बिल्कुल गठबंधन तय हो चुका है रालोद और भाजपा का, और माना जा रहा है 12 तारीख को गठबंधन का जो औपचारिक ऐलान है वो कर दिया जाएगा, क्योंकि सीटों को लेकर जो एक जो कवायद चल रही थी वो फाइनल हो चुकी है। और ये माना जा रहा है कि इसका औपचारिक ऐलान जो है ये 12 तारीख को दिल्ली में बकायदा बतौर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जिसमें रालोद प्रमुख जयंत चौधरी और उसके साथ साथ बीजेपी से जो है तमाम जो बड़े नेता है केंद्रीय नेतृत्व वो मौजूद रहेगा, और इसका औपचारिक ऐलान जो है वो कर दिया जाएगा जी। लेकिन विशाल विशाल, इसका मतलब आप यूपी में सियासी समीकरण बदलेंगे। दूसरा, जो इंडिया गठबंधन है, पहले नीतीश कुमार जा चुके हैं, और अब अगर आरएलडी जा रही है तो फिर कहीं ना कहीं गठबंधन में भी टूट देखने को मिलेगी। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर ये अब आरएलडी भी अब जब जाएगी तो जाहिर सी बात है कि गठबंधन में टूट जो है वो देखने को मिलेगी। और जिस तरह से लगातार इंडिया जो गठबंधन है वो उसको लेकर जो है तमाम जो अब अटकलें हैं वो अब साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है कि लगातार फूट पड़ती जा रही है, और अब सीटों को लेकर भी कोई एक राय शुमारी नहीं बन पा रही है। और उधर एनडीए का जो सहयोगी दल है उनके साथ भी अब जो है एनडीए की जो बीजेपी का जो पूरा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो भी तय हो रहा है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि जहाँ एक तरफ एनडीए जो है उसका दायरा बढ़ता जा रहा है, तो वही इंडिया जो है वो सिमटती हुई दिखाई पड़ रही है उत्तर प्रदेश में। जी विशाल, एक और जानकारी आपसे चाहेंगे, ये अभी सूत्रों के हवाले से गठबंधन तय की खबरें हैं या पुष्टि कर दी गई है किसी की तरफ से, अभी इस बारे में जरा दर्शकों को जानकारी दीजिएगा। देखिए अभी फिलहाल जो है ये कह सकते हैं कि ये लगभग लगभग तय हो चुका है, लेकिन अभी जब तक रालोद प्रमुख जयंत चौधरी इस बात को लेकर जानकारी साझा नहीं करेंगे तब तक ये कह सकता है कि थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि बिल्कुल सब कुछ तय हो चुका है, बस एक औपचारिक ऐलान होना ही बाकी है, क्योंकि रालोद के सभी विधायकों को बता दिया गया है कि आप लोग जो है। ये बहुत बड़ी बात है विशाल, हमारे सहयोगी बता रहे कि औपचारिक ऐलान होना बाकी है, सब चीज तय हो चुकी है, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। ये बड़ी खबर है अपने आप में, बागपत और बिजनौर सीट जाएगी आरएलडी के खाते में, 1 राज्यसभा सीट भी आपको बता दे आरएलडी को मिलेगी, और हिस्सेदारी बढ़ेगी सरकार आने पर। ये एक बड़ी खबर है, बस सिर्फ औपचारिक ऐलान होना बाकी है। चलिए आगे बढ़ते, विशाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए।